Hello friends, welcome back to Dev's Institute of Food and Technology. पिछली बार मैंने पनीर बनाने का वीडियो शेयर किया था. I hope you have enjoyed that. I hope you have tried that. I am looking forward for your reviews. And please feel free to let me know. Again, मैंने जैसे बताया था, these videos are not edited. These videos are coming on to the channel as we have prepared. So bear with us because the thought behind this is to share the experience, share the recipes, and not to share the acting experiences or acting skill set. So thank you for understanding that. Having said that, today मुझे आज मुझे आपसे आपको मैंने खुद खुद बनाई हुई रेसिपी है देसी पास्ता. सो देसी पास्ता, उसके लिए मुझे क्या चाहिए? तो पहले तो आपको पता है कि पास्ता के लिए सॉस लगता है. तो सॉस प्रिपरेशन के लिए मैंने एक मिर्ची, तकरीबन 3 प्याज, 2 टमाटर कुकर में से निकाल लिए हैं. आप यू कैन चॉप इट एंड पुट इट इन द कुकर और यू कैन पुट इट डायरेक्टली इन द कुकर, इट रियली डजंट मैटर. द आइडिया इज बेसिकली ये निकालने के बाद वी विल बी पुटिंग इट इन टू मिक्सर एंड बेसिकली ग्राइंडिंग इट इंटू अ पेस्ट. ठीक है, देन अगेन इमेजिनेशन इज योर, यू कैन यूज योर ओन इमेजिनेशन टू प्रिपेयर दिस. मैं पनीर यूज कर रहा हूँ. अगेन दिस इज होम मेड पनीर जिसकी रेसिपी मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी. आई एम यूजिंग सम मिक्स चॉप वेजिटेबल्स, फ्रेश वेजिटेबल्स है जैसे कि पीस, कैप्सिकम, कैरेट्स and cauliflower. Pasta, you can use any pasta you get in the market. This is a fusli pasta. I prefer fusli because fusli ubalne mein easy hota hai. Aap penne use kar sakte ho, aap spaghetti use kar sakte ho. You can use any kind of pasta that you get in the market. Idea is basically 10-15 minute tak ubal ke usko strain karke you keep it there to dry it out. This is the pasta. Then the base sauce is, again as I said, ये देसी पास्ता है. सो डोंट बी सरप्राइज इफ यू फाइंड सम देसी टच टू दिस. ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने खुद इटालियन रेस्टोरेंट्स में काफ़ी पास्ता ट्राई किए हुए हैं व्हेन आई वाज अब्रॉड, एंड मुझे तो कोई खैर इतना पसंद नहीं आता क्योंकि बहुत खट्टा खट्टा लगता है या फिर बहुत मीठा मीठा लगता है. अगर आप अरबियता लेते हो तो अरबियता तो पूरा और टोमेटो सॉस होता है. पेस्तरोसो थोड़ा सा टेस्टी होता है बट देन माइल्ड होता है, उसमें कुछ ज़्यादा टेस्ट नहीं होता. अगर उसमें भी, और वाइट सॉस पास्ता उसका नाम मेरे को याद नहीं है, आला वर्दू करके कुछ तो होता है बट उसमें भी बहुत बहुत माइल्ड होता है. तो देर आर सम रेस्टोरेंट्स ओवर हियर हु कैन कस्टमाइज इन अब्रॉड, हु कैन कस्टमाइज पास्ता, एंड इंडिया में तो होता ही. आप कोई भी रेस्टोरेंट में चले जाओ वहाँ पर तो आप ये कर सकते हो. सो कमिंग बैक टू द रेसिपी, जिंजर गार्लिक पेस्ट, सम कैश्यू नट्स, ऑयल. एंड ऑयल तो लगता ही है. इफ यू आर अंडर द इम्प्रेशन की पास्ता इज प्रिपेयर विदाउट ऑयल, यू आर मिस्टेकन बिग टाइम. सॉल्ट टू टेस्ट. ओके, सो ये जो मैंने बनाया हुआ है उसको मैं थोड़ा पानी निकाल लेता हूँ एंड देन आई विल पुट इट इनटू द मिक्सर ग्राइंडर. तो आप जैसे देख रहे हो मैंने इसको ग्राइंडर में से निकाल लिया है. टू रिफ्रेश योर मेमोरी, हम लोगों ने कुकर में क्या क्या डाला था? प्याज, टमाटर और एक चिली. द आइडिया बिहाइंड चिली इज टू गिव इट अ लिटिल बिट स्पाइस. नाउ इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं ये कढ़ाई में डालने वाला हूँ. सो आई एड ऑयल. तकरीबन 1 टेबलस्पून, कम ज़्यादा कर सकते हो बेस्ड ऑन योर प्रेफरेंस. देन इसको मराठी में इसको मोहरी बोलते हैं. आई एम गेसिंग इसको
आई एम नॉट श्योर अबाउट द हिंदी वर्ड फॉर दिस, बट वो काले कलर के ये होते हैं, दे आर कॉल्ड आई थिंक मस्टर्ड सीड्स, यस मस्टर्ड सीड्स. देन आई एम वेटिंग फॉर दोज मस्टर्ड सीड्स टू एक्चुअली स्टार्ट पॉपिंग अप. तो जनरल अपनी जो तड़का होता है उस हिसाब से ही मैं बना रहा हूँ. अब जैसे देख रहे हो कि मस्टर्ड सीड्स पॉप हो रहे हैं, सो मैं बाकी के मसाले की इंग्रेडिएंट्स डालना शुरू करूँगा, जैसे एसाफोटिडा मतलब हींग. स्वाद अनुसार ऑफ कोर्स हल्दी, स्वाद अनुसार रेड चिली, स्वाद अनुसार इफ यू वांट इट स्पाइसी, इफ यू वांट अ कलर आप वो कश्मीरी करके होती है वो यूज़ कर लो, स्पाइसी चाहिए तो यू कैन यूज एनी स्पाइसी दिस. देन जिंजर गार्लिक पेस्ट अबाउट 2 टीस्पून्स, गरम हो गया तो बी केयरफुल. कर लो प्रॉपरली, अगेन बी केयरफुल क्योंकि पैन कढ़ाई थोड़ी गर्म हो चुकी है. तो वंस दिस इज डन यू ऐड दिस मिक्सचर टू द मसाला. एंड अभी इसको कुक करना है या फिर इसको एक्चुअली रहने देना है अंटिल दिस बिकम्स थिक, नाइस एंड थिक. ओके, सो आई विल बी राइट बैक विथ यू. ये थिक, ये थोड़ा सा 10 से 15 मिनट लेगा इसको टू बिकम थिकर. सो इन द मीन टाइम मैं बाकी की तैयारी करके रखता हूँ एंड आई विल बी राइट बैक विथ यू. वेलकम बैक. तो जब तक ये मेरा सॉस पक रहा है आई विल बी प्रिपेयरिंग सम वेजिटेबल्स फॉर माई पास्ता. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग पास्ता विदाउट वेजिटेबल्स डज नॉट टेस्ट गुड. तो मैंने पैन लिया हुआ है, इसको मैं गर्म करूँगा एंड वेजिटेबल्स मतलब आई एम गोना सॉटे दोज वेजिटेबल्स ऑन टॉप ऑफ बटर. तो मैंने रफली 1 टेबल स्पून बटर गरम हो रहा है. और इसमें बटर में आई एम पुटिंग माई कैशू नट्स, स्लाइटली ब्राउन. उसमें ब्राउननेस आ गया है थोड़ा. नाउ आई विल पुट माई वेजिटेबल्स जो मैंने आपको पहले बताया था, मिक्सचर ऑफ कैप्सिकम, कैरेट्स, पीज एंड कॉलीफ्लावर.
वेजिटेबल्स में आप एक्चुअली मशरूम्स भी ट्राई कर सकते हो, बट वी आई डोंट प्रेफर मशरूम्स। अगर कहीं से ड्राई मशरूम्स मिलते तो डेफिनेटली ट्राई कीजिए, बट हमारे इंडिया में जो रेगुलर मशरूम्स मिलते हैं दे आर नॉट सो टेस्टी एंड आई डोंट प्रेफर देम, बट इफ यू लाइक देम फील फ्री टू ऐड मशरूम्स टू योर सॉटे एज़ वेल। थोड़ा हाई फ्लेम पे आप सॉटे कर लो, दिस इज गोइंग टू टेक सम टाइम। पनीर मैं अभी डाल नहीं रहा हूँ बिकॉज द वेजिटेबल्स विल टेक अ फ्यू मिनट्स टू बी सॉफ्ट रेडी, तो अंटिल देन मैं पनीर बगल में रख रहा हूँ। ऐड सम सॉल्ट, यू कैन ऐड ब्लैक पेपर पाउडर एज वेल, इट टेस्ट रियली गुड। आई डोंट प्रेफर इट, आई एम नॉट एडिंग इट। Not cover the vegetables because I'm trying to sort them and not actually cook them. So आप जैसे देख रहे हैं मेरा वेजिटेबल सॉटे इज रेडी। फाइनल इंग्रेडिएंट टू दिस सॉटे इज माई पनीर। आई लाइक लॉट ऑफ पनीर, सो आई एम पुटिंग एज मच पनीर एज आई हैव। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लो, जैसे मैंने बताया था इमेजिनेशन इज योर लिमिट। आपने अगर कुछ स्पेशल कुछ ट्राई करना है तो यू कैन गो अहेड एंड ऐड अदर वेजिटेबल्स एज वेल। फ्यू थिंग्स दैट कम टू माई माइंड आर बेबी कॉर्न्स, मशरूम्स मैंने आपको बताया था। अगर आपको थोड़ा ऑथेंटिक करना है तो यू कैन यूज जुकीनी। Then again, one more thing that comes to my mind is broccoli. But as I said, I am a desi banda. I prefer eating things that are available quite easily in India. कमिंग बैक टू द सॉस, तो यू कैन सी लिटिल बिट थिक हो चुका है मेरा सॉस। जस्ट वन थिंग, मैंने सॉस में ये डाला हुआ है, नमक डाला हुआ है। आई हैव एडेड सम मसाला, यू कैन ऐड योर ओन प्रेफर्ड मसाला, एनी मसाला फ्रॉम गरम मसाला, चिकन मसाला या होम मेड मसाला बेस्ड ऑन योर प्रेफर्ड टेस्ट। नाउ आई एम एडिंग माई वेजिटेबल सॉटे, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे मैं अपने वेजिटेबल सॉटे इसमें डाल रहा हूँ। आप वेजिटेबल्स कम ज्यादा कर सकते हो आपके हिसाब से। आई लाइक माई पास्ता टू बी विथ लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स, सो मैं वेजिटेबल सॉटे डाल दिए इसमें। नाउ आई विल एड अ लिटिल बिट ऑफ मिल्क, make give it a creamy taste, and then I'll add the pasta. Adding the pasta, मैंने जैसे बताया था I'm preferring sushi. Easier to cook, less time to cook rather.
मिक्सिंग इट। I'm adding a little bit more milk to give it a little bit thick gravy. Final, I'll put it a little bit on a higher flame to let it cook. Final step, of course, will be adding cheese because there is no pasta without a cheese. Now, regular Amul cheese, aap dal sakte ho. If you prefer, you can buy mozzarella. So my pasta is ready. I am taking it out in my plate. I hope it looks appetizing enough. And to end garnish it, I will be putting cheese on top of it. So this is how the pasta is prepared as per my recipe. This is Aditya Dev again from Dev's Institute of Food and Technology. I hope you enjoy this recipe. Do let me know your feedback, and again subscribe if you are interested in my future experimental videos. Thank you very much.